पेटीएम को लेकर लगातार नेगेटिव खबरें आ रही हैं, जिसका असर उसके शेयर पर देखने को लगातार मिल रहा है। लेकिन अब पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। ये चुप्पी उन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के बैन लगाने के बाद तोड़ी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से भले इस्तीफा की मांग उन्होंने कर दी हो, लेकिन अब उन्होंने पेटीएम को एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का बीड़ा उठाया है। आखिर विजय शर्मा ये कैसे करेंगे, इसका रोड मैप भी उन्होंने बताया है। RBI के पेटीएम पर बैन लगाने के बाद से ही विजय शेखर शर्मा ने एक तरह से चुप्पी ओढ़ ली थी। अब उन्होंने टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी। इससे पहले वो फरवरी के महीने में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। विजय शेखर शर्मा का कहना है कि पेटीएम इस साल में रेगुलेशन से जुड़ी चिंताओं को दूर कर लेगा और एक बार फिर जबरदस्त वापसी करेगा। उन्होंने कहा कि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक सबक उन्हें मिला। कई बार आपके टीममेट और एडवाइजर बात को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन आपके लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तब आप क्या करेंगे, खुद से उसकी देखभाल करेंगे या इसे अपने टीममेट के भरोसे छोड़ देंगे? भले अब विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लीड नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसकी पेरेंट कंपनी पेटीएम या 197 कम्युनिकेशन को खड़ा करने में उनकी सबसे अहम भूमिका है। ऐसे में उनका ये कहना कि पेटीएम वापसी करेगी इस साल में रेगुलेटर्स की चिंता को दूर कर लेगी और रेगुलेटर्स की अहमियत को मान्यता देना कहीं ना कहीं उनकी बाजीगर अप्रोच की ओर इशारा करता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि एशिया के पास अगली पीढ़ी के लिए एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का मौका है। अगर वह अपनी जिंदगी में पेटीएम को एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बना पाते हैं तो ऐसा करके उन्हें बेहद खुशी होगी। अब भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में शर्मा की हिस्सेदारी 51% है, जबकि बाकी हिस्सेदारी पेटीएम के पास है। वहीं पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में भी उनके पास लगभग 20% हिस्सेदारी है।